हेडलाइन पर दोषी की कविता पढ़कर जज सुप्रीम कोर्ट ने बदल दी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बॉबी डार्लिंग ने मांगा तलाक और भत्ता। पति ने शादी की वैधता पर उठाए सवाल। डाटा चोरी करने को लेकर तेलंगाना में आईटी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। दोषी की कविता पढ़कर सुप्रीम कोर्ट जज ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। दोषी को पहले एक बच्चे की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि आरोपी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह सुधरना चाहता है। कोर्ट ने इस बात का पता लगा जब दोषी द्वारा जेल में लिखी गई कविताओं से लगाया। धनेश्वर सुरेंद्र बोरकर ने जब अपराध किया था तब वह 22 साल का था। अदालत ने कहा कि जेल में रहने के दौरान उसने समाज और जुड़ने का और शिक्षित व्यक्ति बनने का प्रयास किया है। जज एस अब्दुल नजीर और जज एम आर शाह भी इस बेंच का हिस्सा थे। शीघ्र जज ने यह फैसला सुनाया है। बॉबी डार्लिंग ने मांगा तलाक और भत्ता। पति ने शादी की वैधता पर उठाए सवाल। लिंग चेंज कराकर पुरुष से महिला बनी डार्लिंग ने एक युवक से शादी की थी। शादी के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। उन्होंने पति के खिलाफ कोर्ट में घरेलू हिंसा के आधार पर तलाक और हर्जाना मांगा है, लेकिन पति की ओर से इस शादी को वैधता पर उठाए सवाल किए हैं। मुंबई की फैमिली कोर्ट में यह अनूठा मामला दायर हुआ है। लिंग चेंज कराने के बाद वह पुरुष से महिला बनने वाली बॉबी डार्लिंग फिल्म और टेलीविजन कलाकार है, लेकिन उनके पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी की वैधता पर सवाल उठाया है। डाटा चोरी करने को लेकर तेलंगाना में आईटी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज। हैदराबाद तेलंगाना पुलिस ने सेवा मित्र मोबाइल ऐप के जरिए मतदाताओं का कथित तौर पर डाटा चुराने को लेकर शहर की एक आईटी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल तेदेवा आंध्र प्रदेश में करती है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एन लोकेश ने कहा कि तेलंगाना पुलिस उन कंपनियों को प्रताड़ित कर रही है जिन्हें सूचना जुटाने के काम पर लगाया गया है और जिनका पूरा अधिकार पार्टी के पास है। पुलिस ने बताया कि एक डाटा विशेषज्ञ की शिकायत के आधार पर शनिवार को कंपनी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकरण आईटी कानून की संबंध धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।